बड़े अफसोस नाल, दुख नाल और भरे मन नाल यह कहना पै रहा है जो लखीमपुर खीरी दे विच घटना हुई है वह जुल्म दी हद है। मतलब कीड़े मकौड़े समझते ने सत्ता दे नशे च आके जिहड़े सत्ताधारी लोग ने आम लोगों नूं कीड़े मकौड़े समझण लग गए। पहला दिल्ली जाण वेले सड़कां पट्टियां, सड़कां ते किल गड्ढे ते हुण आपदियां कारां गड्डियां नाल किसानां नूं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए। नशा सत्ता दा है ते उत्तों उत्थे किसे नूं जाण भी नहीं दित्ता जांदा। कोई विरोधी धिर दा नेता जां कोई कोई रिश्तेदार उन्हां दे जां कोई जिन्हां दे मौतां हो गईआं जां जख्मी होए ने कि पता लैके लै सकण उन्हां दा, ना। सारा लखीमपुर दा एरिया सील करता, उत्थे इंटरनेट बंद करता। यह मैं फिर कहना यह जुर्म की हद है। और भाजपा के जिहड़े लीडर ने, बड़बोले लीडर ने, वह कदे गुंडे, कदे मवाली, कदे नक्सली, कदे पता नहीं की जिहड़े ने टैग दिंदे रहे ने किसानां नूं, उन्हां दे चमचे ते उन्हां दे धीआं पुत्त जिहड़े काके ने उन्हां नूं नत्थ पाउण दी लोड़ है। इस घटना की सख्त शब्दां च बतौर मैंबर पार्लीमेंट संगरूर मैं निखेधी करदा। और 302 जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाइया, जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाउण वास्ते प्रेरित किया ते गोलियां चलाईया, दफा 302 तो घट कोई होर धारा मंजूर नहीं। और देखो देश का गृह राज्य मंत्री है उन्होंने बेटे ने जिन्हां दे अंडर पुलिस है, इस तो बड़ी गुंडागर्दी हो सकती है? सो यह अन्नदात्यां दे उत्ते जिहड़ा जुल्म होया उहदी सख्त शब्दां च निखेधी करदे आ। 700 दे करीब तो जाना पहले ही जा चुकिया ने ते हुण इह आपदियां कारां गड्डियां राहीं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए। इस तो माड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो वीरो इस घटना की जिथे भी तुसी बैठे हो, जिमें भी तुसी कर सकते हो, निखेधी करो ताकि इंटरनेशनल पद्धर ते UN लैवल ते गल जावे कि जिहड़ा भारत की सरकार है वह दमगजे मार दी है। लोकतंत्र है साडे कोल, लोकतंत्र है, बिगेस्ट लोकतंत्र है। इत्थे कोई लोकतंत्र नहीं, इत्थे डंडा तंत्र है, इत्थे गोली तंत्र है। सो यह गल जानी चाहिए इंटरनेशनल लैवल ते कि भारत दे विच किवें जुल्म हो रहे ने, किवें बच्चे बुढ़े बजुर्ग साढ़े नौजवान किवें उत्थे सड़कां ते रुल रहे ने पिछले एक साल तो लगभग। कोई इन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा, मन की बात करदे आ, सिर्फ आपदे मन की बात करदे आ, लोकां दे मन की बात सुणदे नहीं है। तो इस लखीमपुर खीरी वाली घटना की जोरदार शब्दां च निखेधी करदे आ ते दफा 302 तो घट कोई दफा मंजूर नहीं इहदी मंग करदे आ। कोई मंत्री होवे जां संतरी होवे, कानून तो उपर कोई नहीं हुंदा। जिहड़ा जिहड़ी जांच जां कोई सिट बिठा दो, उन्हां चक्करां च तां पहलां बहुत सारियां सिट्टां बैठियां ने, उन्हां दा कोई नतीजा निकलिया नहीं। सो इस करके एक पासे तां अन्नदाता जिहड़ा उह अपने झोना वेचण नूं तरस रिहा है ते दूजे पासे इदां उन्हां नूं गोलियां नाल ते गड्डियां नाल मारिया कुचलिया जा रिहा है। सो इस तों वड्डा मेरे ख्याल च कोई जुल्म नहीं हो सकता, शब्दां दी घाट है। इस घटना की निखेधी करन, सति श्री अकाल दोस्तो, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। दोस्तों बड़े अफसोस नाल, दुख नाल और भरे मन नाल यह कहना पै रहा है जो लखीमपुर खीरी दे विच घटना हुई है वह जुल्म दी हद है। मतलब कीड़े मकौड़े समझते ने सत्ता दे नशे च आके जिहड़े सत्ताधारी लोग ने आम लोगों नूं कीड़े मकौड़े समझण लग गए। पहलां दिल्ली जाण वेले सड़कां पट्टियां, सड़कां ते किल गड्ढे ते हुण आपदियां कारां गड्डियां नाल किसानां नूं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए। नशा सत्ता दा है ते उत्तों उत्थे किसे नूं जाण भी नहीं दित्ता जांदा। कोई विरोधी धिर दा नेता जां कोई कोई रिश्तेदार उन्हां दे जां कोई जिन्हां दे मौतां हो गईआं जां जख्मी होए ने कि पता लैके लै सकण उन्हां दा, ना। सारा लखीमपुर दा एरिया सील करता, उत्थे इंटरनेट बंद करता। यह मैं फिर कहना यह जुर्म की हद है। और भाजपा के जिहड़े लीडर ने, बड़बोले लीडर ने, वह कदे गुंडे, कदे मवाली, कदे नक्सली, कदे पता नहीं की जिहड़े ने टैग दिंदे रहे ने किसानां नूं, उन्हां दे चमचे ते उन्हां दे धीआं पुत्त जिहड़े काके ने उन्हां नूं नत्थ पाउण की लोड़ है।
इस घटना की सख्त शब्दों च बतौर मैंबर पार्लीमेंट संगरूर मैं निखेधी करदा और 302 जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाईयां जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाउण वास्ते प्रेरित किया ते गोलियां चलाईयां दफा 302 तो घट कोई होर धारा मंजूर नहीं। और देखो देश का गृह राज्य मंत्री है उन्हां दे बेटे ने जिन्हां दे अंडर पुलिस है, इस तो वड्डी गुंडागर्दी हो सकती है? सो यह अन्नदात्यां दे उत्ते जिहड़ा जुर्म होया उहदी सख्त शब्दां च निखेधी करदे आं। 700 दे करीब तां जानां पहली जा चुकियां ने ते हुण इह आपदियां कारां गड्डियां राहीं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए, इस तों माड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो वीरो इस घटना की जिथे भी तुसीं बैठे हो जिवें भी तुसीं कर सकदे हो निखेधी करो ताकि इंटरनेशनल पद्धर ते UN लैवल ते गल जावे कि जिहड़ा भारत की सरकार है वह दमगजे मार दी है। लोकतंत्र है साढ़े कोल, लोकतंत्र है, बिगेस्ट लोकतंत्र है, इत्थे कोई लोकतंत्र नहीं, इत्थे डंडा तंत्र है, इत्थे गोली तंत्र है। सो यह गल जानी चाहिए इंटरनेशनल लैवल ते कि भारत दे विच किवें जुल्म हो रहे ने, किवें बच्चे बुढ़े बजुर्ग साडे नौजवान किवें उत्थे सड़कां ते रुल रहे ने पिछले एक साल तो लगभग, कोई इन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा। मन की बात करदे आ सिर्फ आपदे मन की बात करदे आ, लोकां दे मन की बात सुणदे नहीं है। तो इस लखीमपुर खीरी वाली घटना की जोरदार शब्दों च निखेधी करदे आ ते दफा 302 तो घट कोई दफा मंजूर नहीं इहदी वी मंग करदे आ। कोई मंत्री होवे चाहे संतरी होवे, कानून तो उपर कोई नहीं हुंदा। जिहड़ा जिहड़ी जांच जां कोई सिट बिठा दो उन्हां चक्करां च तां पहलां बहुत सारियां सिट्टां बैठियां ने, उन्हां दा कोई नतीजा निकलिया नहीं। सो इस करके एक पासे तां अन्नदाता जिहड़ा वह अपने झोना वेचण नूं तरस रहा है ते दूजे पासे इदां उन्हां नूं गोलियां नाल ते गड्डियां नाल कुछ मारिया कुचलिया जा रहा है। सो इस तों वड्डा मेरे ख्याल च कोई जुल्म नहीं हो सकता, शब्दां दी घाट है इस घटना की निखेधी करन। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। दोस्तों बड़े अफसोस नाल, दुख नाल और भरे मन नाल यह कहना पै रहा है जो लखीमपुर खीरी दे विच घटना हुई है वह जुल्म दी हद है। मतलब कीड़े मकौड़े समझते ने सत्ता दे नशे च आके जिहड़े सत्ताधारी लोग ने, यह आम लोगों को कीड़े मकौड़े समझण लग गए। पहला दिल्ली जाने वेले सड़कां पट्टियां, सड़कां ते किल गड्डे ते हुण आपदियां कारां गड्डियां नाल किसानां नूं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए। नशा सत्ता दा है ते उत्तों उत्थे किसी नूं जान भी नहीं दिता जांदा। कोई विरोधी धिर दा नेता जां कोई रिश्तेदार उन्हां दे जां कोई जिन्हां दे मौतां हो गईआं जां जख्मी होए ने कि पता लैके लै सकण उन्हां दा, ना। सारा लखीमपुर दा एरिया सील करता, उत्थे इंटरनेट बंद करता। यह मैं फिर कहना यह जुर्म की हद है। और भाजपा के जिहड़े लीडर ने, बड़बोले लीडर ने, वह कदे गुंडे कदे मवाली कदे नक्सली कदे पता नहीं की जिहड़े ने टैग दिंदे रहे ने किसानां नूं, उन्हां दे चमचे ते उन्हां दे धियां पुत जिहड़े काके ने उन्हां नूं नत्थ पाउण दी लोड़ है। इस घटना की सख्त शब्दों च बतौर मैंबर पार्लीमेंट संगरूर मैं निखेधी करदा और 302 जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाईयां जिन्हां जिन्हां ने गड्डियां चढ़ाउण वास्ते प्रेरित किया ते गोलियां चलाईयां दफा 302 तो घट कोई होर धारा मंजूर नहीं। और देखो देश का गृह राज्य मंत्री है उन्हां दे बेटे ने जिन्हां दे अंडर पुलिस है, इस तो वड्डी गुंडागर्दी हो सकती है? सो यह अन्नदात्यां दे उत्ते जिहड़ा जुर्म होया उहदी सख्त शब्दों च निखेधी करदे आं। 700 दे करीब तां जानां पहली जा चुकियां ने ते हुण इह आपदियां कारां गड्डियां राहीं कुचलण लग गए, गोलियां चलाउण लग गए, इस तों माड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो वीरो इस घटना की जिथे भी तुसीं बैठे हो जिवें भी तुसीं कर सकदे हो निखेधी करो ताकि इंटरनेशनल पद्धर ते UN लैवल ते गल जावे कि जिहड़ा भारत की सरकार है वह दमगजे मार दी है। लोकतंत्र है साढ़े कोल, लोकतंत्र है, बिगेस्ट लोकतंत्र है, इत्थे कोई लोकतंत्र नहीं, इत्थे डंडा तंत्र है, इत्थे गोली तंत्र है। सो यह गल जानी चाहिए इंटरनेशनल लैवल ते
कि भारत दे विच किवें जुल्म हो रहे ने, किवें बच्चे बुढ़े बजुर्ग साढ़े नौजवान किवें उत्थे सड़कां ते रुल रहे ने पिछले एक साल तो लगभग, कोई इन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा। मन की बात करदे आ, सिर्फ आपदे मन की बात करदे आ, लोकां दे मन की बात सुणदे नहीं है। तो इस लखीमपुर खीरी वाली घटना की जोरदार शब्दां च निखेधी करदे आ, ते दफा 302 तो घट कोई दफा मंजूर नहीं, इहदी मंग करदे आ। कोई मंत्री होवे जां संतरी होवे, कानून तो उपर कोई नहीं हुंदा। जिहड़ा जिहड़ी जांच जां कोई सिट बिठा दो, उन्हां चक्करां च तां पहलां बहुत सारियां सिट्टां बैठियां ने, उन्हां दा कोई नतीजा निकलिया नहीं। सो इस करके एक पासे तां अन्नदाता जिहड़ा उह अपने झोना वेचण नूं तरस रिहा है, ते दूजे पासे इदां उन्हां नूं गोलियां नाल ते गड्डियां नाल कुछ मारिया कुचलिया जा रिहा है। सो इस तों वड्डा मेरे ख्याल च कोई जुल्म नहीं हो सकता। शब्दां दी घाट है इस घटना की निखेधी करन।